नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्रेय त्रिपाठी। स्पेन से आई टेल्गो ट्रेन का आज बरेली मुरादाबाद रूट पर पहला ट्रायल हुआ है। सेमी हाई स्पीड टेल्गो ट्रेन इस रूट पर देसी इंजन के साथ दौड़ी। ट्रेन ट्रैक पर टेल्गो की अधिकतम रफ्तार 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। ट्रायल के ट्रेन में रेत से भरी बोरियां रखी गई थी। वैसे इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 200 से 250 किलोमीटर तक है। खास बात यह कि इसके लिए कोई नया ट्रैक नहीं बनाया गया है। अगले दो हफ्ते तक इस रूट पर हर रोज टेल्गो का ट्रायल होगा। उसके बाद मथुरा पलवल और दिल्ली मुंबई रूट पर भी इस ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद इसे यात्रियों के लिए शुरू किया जाएगा। फिलहाल ये जो ट्रायल ट्रेन है ये मुरादाबाद पहुंच चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया, रेत की बोरियां इसकी बोगियों में भरी गई हैं। बरेली मुरादाबाद रेलवे रूट पर ये ट्रायल रन हुआ। और इंडिजिनस देसी इंजन इसमें लगा हुआ था। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ट्रैक इसके लिए कोई नया नहीं बनाया गया। किसी भी ट्रेन में हम सफर करते हैं तो सफर करते वक्त और उससे पहले हमारे जहन में दो बातें जरूर होती हैं। पहली बात होती है कि ट्रेन में टॉयलेट कैसा होगा और दूसरी होती है साफ सफाई और खाने पीने की व्यवस्था कैसी होगी। पहले हम दूसरे की बात करते हैं, टेल्गो ट्रेन के कैफेटेरिया में, क्योंकि हम मौजूद हैं और ये कैफेटेरिया बहुत खास है। आम भारतीय ट्रेनों में मौजूद जो पेंट्री कार होती है उससे बहुत अलग है। किसी रेस्टोरेंट टाइप जैसा ये कैफेटेरिया आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें जो खाना आपको गर्म होके मिलेगा वो किसी गैस पर खाना गर्म नहीं मिलेगा, बल्कि यहां पर माइक्रोवेव की बकायदा व्यवस्था है। यहां पर आप कॉफी की मशीन को भी देख पाएंगे और निश्चित तौर पर इसका लुत्फ भी आने वाले दिनों में तमाम यात्री उठा पाएंगे। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इस पर रखकर मैं कुछ भी आसानी से यहां पर ले सकता हूं और उसके बाद खा सकता हूं। और खास बात ये भी है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हाइड्रोलिक प्रेशर और व्हील बैलेंसिंग की वजह से इस ट्रेन की गति भले ही बहुत तेज हो, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर भले ही ये ट्रेन चले, लेकिन इस ट्रेन में आप बिल्कुल भी कंपन महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि पानी की बोतल रखकर यहां पर आसानी से खाना खाऊं तो कंपन नहीं होने की वजह से उसके गिरने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जाहिर है कैफेटेरिया रेस्टोरेंट यानी खाने पीने और हाइजीन के मामले में ये ट्रेन पूरी तरह से पास होती हुई दिखाई देती है, बल्कि 10/10 अंक यहां पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बरेली से मुरादाबाद तक ये ट्रायल रन किया गया। काफी दिन तक अब ये ट्रायल रन अगले 15 दिनों तक इसी तरह से किया जाएगा। मुरादाबाद पहुंच चुकी है ये ट्रेन। टेल्गो ट्रेन स्पेन की टेक्नोलॉजी पर बनी है, लेकिन भारत में देसी इंजन इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए ट्रैक पुराना ही इस्तेमाल किया गया है और मौजूदा हालात में 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। हालांकि इसकी जो क्षमता है वो 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की है। जापान जैसी स्पीड, स्पेन की टेक्नोलॉजी और भारत का फ्यूचरिस्टिक दिमाग, जब इसका तालमेल हुआ तो सामने आई रॉकेट सी स्पीड। जी हां, हम बात कर रहे हैं टेल्गो ट्रेन की। दिल्ली से महज 250 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बरेली में रॉकेट की स्पीड वाली ये ट्रेन अब पूरी तरह से ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि ये वो ट्रेन है जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाले वक्त में ट्रैक पर दौड़ेगी। अगर इस टेल्गो ट्रेन को चलाने वाला ड्राइवर चाहे तो वो इसकी हाइट को घटा या बढ़ा सकता है, जरूरत के मुताबिक इसे मेंटेन किया जा सकता है और आने वाले वक्त में ये फीचर इस टेल्गो ट्रेन में ऐड किया जाएगा। कैसे ये पॉसिबल होगा ये आपको बताते हैं। ये जो जगह आप तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं, यहां पर जो भारतीय ट्रेनें होती हैं उसमें कपलिंग लगा होता है, यानी दो डिब्बों को जोड़ने के लिए जो जॉइंट होता है वो कपलिंग होता है, और उसकी जगह पर यहां पर हाइड्रोलिक प्रेशर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। रूफ माउंट ये कोचेज हैं और इसी हाइड्रोलिक प्रेशर से इसकी हाइट को आने वाले वक्त में मेंटेन किया जाएगा।
तो ये कुछ खास चीजें हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे। बरेली मुरादाबाद रूट पर आज टेल्गो ट्रेन का ये पहला ट्रायल हुआ। मुरादाबाद पहुंच चुकी है ट्रेन। स्पेन की टेल्गो ट्रेन का देसी इंजन के साथ ये ट्रायल हुआ। देसी इंजन ही इस्तेमाल किया गया इस ट्रेन के लिए। ट्रायल के दौरान 80 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ी, लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, इसमें हाइड्रोलिक जो शॉकर्स हैं वो यूज किए गए हैं। इसकी वजह से कंपन ट्रेन में बिल्कुल नहीं होगा और ये एक अच्छी बात रहेगी इसमें सफर करने वाले यात्रियों के लिए।